मुझे इस बात का दुख है कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, जम्मू कश्मीर में अगर नहीं जीत पाते थे तो उनको महाराष्ट्र से जिताया, दो दो बार लोकसभा का सदस्य बनाया, 5 बार यानी कि 30 साल तक राज्यसभा में रखा, मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया। वो आज बात कर रहे हैं कि बड़ी उनको आहत हुई थी उस समय जब 2013 में राहुल गांधी जी ने पत्रकारों के सामने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। आपको आपत्ति थी तो उसके बाद 2014 में आपने राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद क्यों स्वीकार किया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सब बहानेबाजी बंद करिए गुलाम नबी जी। सीधी सी एक बात है कि आप, हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की, हो सकता है कुछ आपके उनके साथ मधुर संबंध हो गए होंगे। एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, आपने लिखा है कि आज कांग्रेस जोड़ों की आवश्यकता है और उसी पत्र में आप कह रहे हैं कि हम लोग भारत जोड़ों की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जोड़ने के बजाय आप कांग्रेस तोड़ने में आज जो आपने कदम उठाया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और उस समय भी जब सोनिया गांधी जी ने, जिन्होंने, जिनके परिवार ने आपको सब कुछ दिया, आज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश गई हुई हैं, तब आप ये कदम उठा रहे हैं। मुझे कतई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है, इस संकट काल में दृढ़ता से खड़े होकर आपको कांग्रेस के साथ देना चाहिए। आपने जो इस्तीफा दिया है और जो आपने जो पत्र लिखा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ।